और यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में लाहौर आवाम देखी जा रही है और मल्टी नेशनल ब्रांड और जो नेशनल ब्रांड है फूड ब्रांड यहाँ पर मौजूद है। आवाम काफी यहाँ पर देखी जा रही है, बहुत ज्यादा पब्लिक का रश है, फैमिली आई हुई है, बॉयज एंड गर्ल्स आए हुए हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में लोग देखे जा रहे हैं। आइए आपको मजीद दिखाते हैं सोरी कॉल पर। जी क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम आपका क्या नाम? आमना। आमना, आमना वैसे बड़ी खूबसूरत लड़कियों का नाम होता है। आप यहाँ कहाँ से आई हो इस टाइम? हम अपने नदी के होश ही सारे लोग होश ही आए हैं, जो हो रही है घर से आए हैं। अच्छा, घर कहाँ पे आपका? लोगों के लिए मतलब बहुत कम एंटरटेनमेंट की जगह है लाहौर में, तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा है, काफी ऐसे बात घर वालों ने निकाल गया होगा घर से कि आज आपको एंजॉय कराने के लिए हम निकलते रहते हैं। अच्छा, मैं आपको मैं ये बताऊं आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? इसका पीआईएफडी में पढ़ती हूं। पीआईएफडी वो कहां पे? पीआईएफडी फैशन डिजाइनिंग यूनिवर्सिटी। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग कर रही हो? फैशन डिजाइनिंग आप कर रही हो तो आप खाना खाने आ गई हो यहाँ पे, क्या क्या खाया? हाँ, मैंने बहुत कुछ खाया है, पोर्ट से खाया है, बर्गर खाया है, पिज्जा खाया है, चाय पी है, पान खाया है। पान भी खाया? हाँ, वो फूलों वाले बाबे से। अच्छा, बाद में दम तो नहीं पड़ा आपके ऊपर? नहीं नहीं, हमने दम पड़ने दिया। अच्छा अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहोगी जो आवाम जो पब्लिक आना चाह रही है फूड एक्सपो में, उनको क्या आप पैगाम दें? आए और कंट्रीब्यूट करें, बहुत अच्छी बात है, ऐसे और इवेंट्स होने चाहिए हमारे मुल्क में, क्योंकि पब्लिक के लिए कोई भी एंटरटेनिंग स्पेस नहीं होता और एंटरटेनमेंट की जगह नहीं होती, तो जरूर आए और इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? फरा। फरा अंकल, ये आपका नाम? सलीम। सलीम साहब, आप कहाँ से आए हैं? लाहौर के जाके क्या आप क्या क्या खाया आपने यहाँ से? अभी मैं तो खाने लगी थी, आपने रोक लिया। खा चुके हैं? मतलब अभी आई हो? 3 बजे? नहीं नहीं, आज काफी कुछ अंदर बहुत कुछ खाया लेकिन अभी खाना में खाने लगी थी, आपने 3 बजे के आए हो तो आपने अभी कुछ भी खाया? नहीं, केक खाया, पिज्जा भी खाया, केक भी खाया। अच्छा, तो आप ये जो फेस्टिवल हो रहा है तभी अक्सर ही आ जाते हैं? कौन कौन से फेस्टिवल में जाके आए हो? मसाला फेस्टिवल पे, उसके अलावा जो एक्सप्रेस का होता है, जो मशीनों का होता है, जो पोल्ट्री का होता है, होता है। अच्छा सर, आप थोड़ा आगे आ जाओ, क्या हो रहा है? आप हमें ये बताओ जो आप दूसरी गर्ल्स आपको देख रही हैं, वो जो अपनी फैमिली के साथ आती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं फैमिली को मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग अपने बच्चों को घर के अंदर रखते हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह के फेस्टिवल में आए ताकि बच्चों को पता चले कि बाहर क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली फैमिलीज ये करती हैं कि संडे के दिन घर रहती हैं कि हम हमारा छुट्टी का दिन है, हम घर रहेंगे, हम नहीं निकलेंगे, लेकिन उनको निकलना चाहिए, अपना जो कंट्री है, अपना जो सिटी है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। पूरे पाकिस्तान, क्योंकि लाहौर बहुत खूबसूरत है और इसको देखना चाहिए। मेरे बच्चे जब इससे भी छोटे थे ना, उनको पूरी दूर दूर सकरदू, गिलगित, कराची, हर जगह पे इनको लेके गया हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं अल मशहूर मोहम्मद सदीक मछली फरोश भी यहाँ पर मौजूद है और काफी सारा तादाद में यहाँ पर पब्लिक देखी जा रही है, आवाम का आना जाना लगा हुआ है, ऑडियंस जो है यहाँ पर आवाम आ रही है, फैमिली आ रही है, नफीक आ गया है, आपको दिखाते हैं फोरी तौर पर। और ये देखें जी, ये देखें जी कितना बड़ा इस टाइम फूड स्टॉल लगा हुआ है और जो है लाहौरी लड़कियां आई जा रही हैं, लाहौरी लड़कियां मुझे देखी जा रही हैं और आइए इनको पूछते हैं। जी कहाँ से आई हैं आप? हम इधर जोहर टाउन से आए हैं। जोहर टाउन से? मतलब आप करीब से आए हैं? हाँ जी, करीब से हैं, नेबर्स भी हैं। अच्छा, आप सारी नेबर्स हैं? जी जी, नेबर जी, बिल्कुल। आप आंटी कहाँ से आई? ये मेरी बेटियां दोनों। आप इनको लेके आई हैं? हाँ जी, कि ये आपको लेके आई हैं? बस इकट्ठी आए हैं, मिलकर आए हैं। अच्छा, मिलकर आए हैं। अच्छा, क्या क्या खाया अभी यहाँ से? अभी तो हम आए हैं, अभी हमने गोलगप्पे ट्राई किए हैं, काफी अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छा सेटअप है, होना चाहिए ऐसे सोशल गैदरिंग। इतनी महंगाई और डिप्रेस दौर में खास ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए ताकि जो लोग हैं वो। अच्छा, कल भी आती रहती है आप ऐसे फेस्टिवल? हम तो बिल्कुल सामने रहते हैं। आपका ये तो आना मुश्किल ही है। अच्छा, क्या जो लोग दूर से आना चाह रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? आए, जरूर आए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें, अच्छा है। अपनी कैसी आंटियों को? अपने कैसी आंटियों को? अच्छा, मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा घर से निकले, बाहर आए,
थोड़ा एंजॉय करें घर के काम। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ चुके हैं, तो कैसा लग रहा है फूड एक्सपो में आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और स्पेशली मैनेजमेंट बहुत अच्छी है इनकी, हर चीज बड़ी डिसिप्लिन्ड है और आज तो हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी भी काफी है। एग्जैक्टली होने चाहिए, फैमिलीज के लिए यही चीजें जो है वो इंटरटेनमेंट का जरिया है, अदरवाइज और तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी भी हो, आपको हर चीज एक ही इन वन रूफ मिल जाती है, लाइक फूड भी है, एंटरटेनमेंट भी है और सिक्योरिटी भी है, फैमिलीज आ रही हैं, सब खुश हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? महक। आपका नाम? किंका। अच्छा महक और किंका आप यहाँ पे आई हो फेस्टिवल में, तो कैसा आपको फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस है लेकिन अच्छा लग रहा है, यार बहुत अच्छा लग रहा है आपकी और आपकी दोनों की क्या हॉबीज है, क्या आपकी मसरूफियात है लाइफ में? बेसिकली हम लोग यहाँ पे घूमने भी आए थे, हमने यहाँ पे इवेंट भी किया और घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, वॉलंटियर भी है और इस तरह करते हुए एंजॉय भी करते हैं। ऐसे वॉलंटियर इवेंट्स करती रहती है? लोग किस चीज में आना चाह रही है, मीडिया किस चीज में आना चाह रही है, उनको क्या मैसेज करना चाहिए? आप दोनों किन किन ब्रांड के साथ हैं, कोई अपडेट कर चुकी है? आपका क्या नाम है? उमर मैसा। उमर मैसा आपका क्या नाम है? आपका? मोहम्मद मोमिन अहमद। अच्छा आप यहाँ पे आए हुए फेस्टिवल में, क्या क्या खाया आपने, क्या खाया? मैंने अभी ये पापड़ खाया और मैंने बिस्किट खाया और सैंडविच। सैंडविच भी खाया? आपने क्या खाया? आपने? मैं तो बेशुमार चीजें खाई है, पिज्जा वगैरह, शवरमा, कुछ भी नहीं याद, इतना खा लिया याद ही नहीं रहा। देखिए यहाँ पर इस टाइम कन्नौर की जानिब से एक जो है वो नूडल का स्टॉल लगाया गया और यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में आवाम देखी जा रही है, नूडल फ्री बांटी जा रही है और यहाँ पर आवाम का रश आप देख सकते हैं, औरतों का रश और आइए इसे पूछते हैं आपका क्या है? अच्छा अच्छा तो यहाँ पे आप स्टॉल पे खड़ी हो फ्री मिल रही है, और क्या क्या खाया फ्री? यार कस्टर्ड वगैरह, सैंडविच। आप कुछ फ्री खाया? एक ही दिन खाया सारा कुछ? अच्छा ये क्या है कि एक ही दिन खाया सारा कुछ आ जाते? क्या नाम है आपका? अक्षा नाज। अक्षा नाज कहाँ से आई हो? लाहौर से, गुलबर्ग से। गुलबर्ग से आई हो, कौन से इलाके से? फेसपुर से। अच्छा ये जो फेस्टिवल हो रहा है आपने यहाँ पे क्या क्या खाया? हमने तकरीबन सब कुछ खाया है सिवाय कुंदन। सब कुछ तो खाया नहीं जाता? सब कुछ खाया। फ्री का खाया या आपने पैसों का? नहीं 80% फ्री का खाया, बाकी हमने ले ली, शॉपिंग कर ली है। अच्छा तो कितने लोग आए हुए? पूरी फैमिली आए हुए? पूरी फैमिली। कौन से फेस्टिवल में आते रहते हो आप? हम तकरीबन 90% इधर जो भी फेस्टिवल होता है हर फेस्टिवल में आते हैं। ठीक हो गया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मलूक। अच्छा आप ये फूड फेस्टिवल में आए हुए हैं, ये जो हुकूमत की जानिब से एक फेस्टिवल यहाँ पे चल रहा है, तो आपने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ है, तो कैसे आपको ये स्टॉल मिला, परमिशन कैसे मिली और आपने यहाँ तक अभी तक जो है 3 दिन में कितनी जो है वो पब्लिक को अपना जो सामान दे चुके हैं? ये हमें सबसे पहले जो अप्रूवल दिया हुआ है, ये सारे इंतजाम किया हुआ है पंजाब फूड अथॉरिटी ने और बेहतरीन इंतजाम किया हुआ है। बाकी माशाल्लाह क्राउड बहुत ज्यादा है, जो पिछले लोगों ने इवेंट किया था 2018 में उसकी नस्बत इस दफा बहुत ज्यादा है, बेहतरीन। मैं आपको पूरा बताऊंगा, हमारे ब्रांड का नाम है वो है बार्बिक्यू टुनाइट। बार्बिक्यू टुनाइट टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह 3 है, कराची में 5 है, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह है। लाहौर में कौन कौन सी जगह पे है? लाहौर में है एम आलम रोड, महमूद कसूर रोड पे है, एक DHA में है और एक इम्पोरियम मॉल में। ये क्या ये लोगों को दे रही है? हम लोग चमन की तरफ से हैं और हम लोग आप लोगों को 10% डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं। कितने परसेंट अभी तक जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? ये एक बुक के अंदर 100 वाउचर्स हैं, ठीक है, और हमने ऑलमोस्ट 50 बुक्स खत्म किए इस तरह की आज के दिन में। अच्छा तो इसका ये वैलिडिटी कब तक है? इसकी 2023 यानी टिल ऑफ दिसंबर लास्ट मंथ तक है। पूरा ख्याल है इसकी है और ये चमन आइसक्रीम की जो
जितने भी लाहौर में ब्रांचिंग है सब पे अवेलेबल होगा, सब पे अवेलेबल होगा। आप किसी भी पार्लर चले जाएं आपको वहाँ पे डिस्काउंट वाउचर अवेलेबल होगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सैयद अमीरुल हसन है। सैयद अमीरुल हसन साहब आप कौन से इलाके से आए हैं? सर मैं उकाड़ा से आया हूँ। अच्छा उकाड़ा से आप ये जो फूड एक्सप्रेस को देखने आए हैं? जी जी मैं फूड एक्सपो ये कल इसका सुना इसके बारे में कि ये सेफ एंड केयर फूड ऑफ पाकिस्तान को जो बेस्ट ब्रांड है उनको दुनिया को बता रहे हैं कि हमारी फूड बहुत हेल्थी और सेफ है, इसलिए दोस्त ने कहा साथ एंटरटेनमेंट का भी भरपूर इंतजाम है, तो इसलिए अब मैंने कहा चलो आउटिंग के लिए। अच्छा आप फूड एक्सपो में आई हुई हो, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी तो मतलब देख ही रहे हैं सब। नहीं मतलब कब से आए हुए हो? हम शादी के बाद इधर आए हैं डायरे। शादी के बाद क्या क्या नहीं मतलब आते रहते हैं शादी के बाद, शादी जिसमें आप ये जो ऑडियंस आप देख रहे हैं फूड फेस्टिवल के अंदर इतना जोन देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सैयद बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है।